नमस्कार जी आप सभी को। हर रविवार की तरह इस रविवार भी मैं आपके सामने अपनी एक रचना को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक कविता है, मगर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। अब उस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं वो आप मुझे इसको सुन के बताइएगा। एक चालाक आदमी एक आजाद घूमती बकरी को उसकी पसंदीदा घास का लालच देकर अपने बाड़े में ले आया। बकरी के चारे पानी का इंतजाम करके उसके साथ बड़ा दुलार जताया। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर बकरी को बड़ा आनंद आया, लेकिन हकीकत में उस चालाक आदमी ने बकरी को अपने बाड़े में कैद कर अपना गुलाम बनाया। बकरी का दूध निकाल थोड़ा खुद पिया, थोड़ा बाजार में बेच आया। बकरी के मलमूत्र से अपने खेतों को उपजाऊ बनाया। बकरी की वंश वृद्धि से अपना खूब कारोबार चलाया। और बकरी जब बूढ़ी हुई तो उसको काट कर उसका मांस बेच खाया। यहां तक कि उसकी खाल उतार कर भी उस आदमी ने अपने लिए कई तरह का उपयोगी सामान बनाया। अब आप बताइए, हमारे लोकतंत्र में ये बकरी कौन है और वो चालाक आदमी है कौन? इस सवाल पर इस देश के ज्यादातर बुद्धिजीवी अक्सर रहते हैं मौन। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कविताएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आगे और भी आपके सामने अच्छी अच्छी रचनाएं लाता रहूँगा। धन्यवाद।